तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं अपने पार्टनर को लेने जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू चंडीगढ़। तो हम चंडीगढ़ पहुँच के ही अपनी आगे की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैं अभी अपने फ्रेंड्स को लेता हूँ और फिर हम पहुँचते हैं चंडीगढ़। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ और अभी हमारे यहाँ पे जो पीछे CNG पंप है यहाँ पे, वहाँ से हमने CNG रिफ़िल करवाई है सो दैट यहाँ पे हम लोकल घूम सकें। और अभी अराउंड 1:30-2 का टाइम हो रहा है और एक अच्छी बात ये लगी कि पूरे रास्ते जो है मैक्सिमम पेट्रोल पंप पे हर 10-20 किलोमीटर्स पे यहाँ पे CNG पंप्स आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे आने तक का जो भी हमारा एक्सपेंसेस थे बहुत चीप हमें पड़े हैं। तो अभी पहुँचे हैं, अभी हम थोड़ा यहाँ पे सुस्ताएंगे और इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज का दिन हमें क्या कवर करना है और इसके बाद हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो स्टे ट्यून्ड और अभी हम आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जगहों पे जाने वाले हैं और पूरा फुल इन्जॉय करेंगे। अभी मैं अपना GoPro वगैरह निकालूंगा, हम देखेंगे कहाँ पे क्या शॉट्स लेने हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे ट्रिप पे। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने आपको बताया हम चंडीगढ़ आ चुके हैं और अभी हम नियर बाई ये आर्केड में आए हैं और यहाँ का आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। एकदम ऐसा हमें लग रहा है जैसे इंडिया में नहीं किसी हम फॉरेन लोकेशन पे इस टाइम है। तो दोस्तों ये देखिए अभी हमारा गाड़ी के अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है, काफ़ी सारा सामान हम अपना कैरी करके चल रहे हैं बिकॉज़ हमारा प्लान इज़ लाइक स्टेइंग इन कारवा और दिस इज़ आवर कारवा। तो वो हमारे पास एक इमरजेंसी जो है गैस स्टोव है, इनकेस हमें कहीं आउटसाइड नाइट में स्टे करना पड़ा तो हम उस पर अपना जो है फूड प्रिपेयर करेंगे। बाकी कपड़े वगैरह हैं, ये मेरा जो है सारा व्लॉगिंग का यहाँ पे इसके अंदर सेट है, टी शूज़ वगैरह हैं, इसके अंदर हमारे पास पानी की बोटल्स हैं, वो नवीन का जो है कपड़े हैं, इसमें कुछ बर्तन हैं। तो दिस टूर इज़ गोइंग टू बी लाइक कहीं पे हम स्टे भी करेंगे, कहीं पे हम हो सकता जो है एकदम ओपन एरिया में कैंपिंग करें। तो देखते हैं अभी क्या हमें आगे एक्सप्लोर करने को मिलता है। और ये जो हमारी नैनो है ये हमारा एक तरीके से चलता फिरता कारवां भी है। तो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे और अब आगे धीरे धीरे हम प्लान करेंगे। अभी हमारा प्लान बन रहा है, वैसे यहाँ से कसौली नियर बाय है तो माइट भी हम जाएं, बट वहाँ पे हो सकता है हिमाचल में जैसे अभी लॉकडाउन है और वहाँ पे क्या कंडीशंस है हमें क्लियर नहीं है। अभी जो चंडीगढ़ में जिस लोकेशन पर अभी हम खड़े हुए हैं तो वहाँ का कुछ आप नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर द ईयर और नॉर्मल डेज में भी चंडीगढ़ एकदम शांत एरिया है और काफ़ी ग्रीन एरिया है, बट अभी जैसे कि यहाँ पे बीच में पार्शियली लॉकडाउन कर देते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, तो फ़िलहाल यहाँ का कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा नज़र आता है। काफ़ी शांत एरिया है, काफ़ी हरा भरा एरिया है और अभी यहाँ से हम कसौली के लिए आपको बताया निकलने वाले हैं, तो वहाँ का भी हम देखते हैं क्या सिनेरियो है कि हमें वहाँ पे आगे जाने दिया जाएगा, हिमाचल में एंट्री करने दिया जाएगा या फिर हम वापस फिर यहीं चंडीगढ़ में आके नाइट में स्टे करेंगे। मिलते हैं आपसे। दोस्तों जैसा कि नीचे हमने बताया था चंडीगढ़ में कि हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ बट नॉट शिमला, वी हैड प्लान टू गो, कहाँ पे जाने वाले थे नवीन? हम जाने वाले थे एक्चुअली कसौली। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि हम कसौली जाने वाले हैं बट ऑन द वे हमें पता चला कि हिमाचल की एंट्री एकदम हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी आपको अंदर जाने नहीं देगा। और तो रास्ते में हमारा प्लान बना कि फिर ठीक है, रास्ते में चंडीगढ़ से नियर बाय पड़ता है मोरनी हिल, तो हमने तो वो भी विजिट नहीं किया, हमारे लिए सब कुछ ही नया है, तो हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं क्योंकि मोरनी हिल जो है हरियाणा में फॉल करता है और अभी हम मोरनी हिल आए हैं और वी आर जस्ट मैसमराइज यहाँ पे आके। आप देखिए क्या मस्त माहौल है, वो सामने जो आपको वहाँ सामने जो आपको हिल्स नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर साफ बादल टच होते हुए नज़र आ रहे हैं और धूप अभी जाने वाली है उस पोर्शन में। और यहाँ का मतलब माहौल मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब हमें तो कन्फ्यूज़न थी या फिर हमें ऐसा बताया गया था कि जो है शिमला से पहले कोई ऐसी जगह नहीं है हिली एरिया जिसको आप कह सके कि भी हाँ आपने जो है हिल विजिट करें, बट यार यहाँ पे तो ये मोरनी हिल्स और इवन कि ये हरियाणा पोर्शन में पड़ता है तो हरियाणा का ये वाला हिस्सा तो लाइक ए सरप्राइज। तो अभी हम ऑन द वे हैं मोरनी हिल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से अराउंड है 4 or 5 किलोमीटर्स रह गया है बट हमने कहा कि अब अंधेरा ना हो जाए पहुँचते पहुँचते। तो एज यू नो कि आज मंडे सुबह 7 बजे हम घर से चले थे और अभी शाम के 6 बजे हैं और शाम के 6 बजे यू कैन सी कि हम
किसी ऑफिस या ऐसे किसी बिजनेस या ऐसी किसी टेंशन वाली जगह पे ना होके, ये हफ्ते की हमने क्या ज़बरदस्त शुरुआत करी है। और हम जो है अभी मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में हैं। यहाँ का वेदर मैं आपको बता नहीं सकता कितना गजब का है। और हम जो दो बचपन के फ्रेंड हैं, हम निकले थे कुछ एक्सप्लोर करने और कुछ जो है ऐसी व्लॉगिंग करने कि हम अपना एंजॉय भी कर सकें और आप लोगों को जो है अपने साथ साथ जो है एंजॉय करवा सकें। बट यहाँ पे आके सब कुछ एकदम से हम सिनेरियो ही चेंज हो गया है। और हमने भी नहीं सोचा था कि मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत होंगी, जो कि मेरे को नहीं लगता शिमला से या कुल्लू मनाली से किसी भी लेवल में कम है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और अभी आज शायद हम रात को वहीं पे रुकेंगे। तो जो बाकी के जो हमारे शॉर्ट्स हैं, जो सिनेमैटिक शॉर्ट्स होंगे, तो बाकी के जो हमारे जो सिनेमैटिक शॉर्ट्स होंगे और जो हमारे ड्रोन शॉर्ट्स होंगे, वो हम जो है कल लेने वाले हैं। बिकॉज़ हमने कोई ज़्यादा नीचे रेस्ट नहीं लिया और बैक टू बैक हम यहाँ पे आ गए। हालांकि हमें कोई ऐसी टायर्डनेस नहीं है, बट अभी इवनिंग का थोड़ा टाइम ऐसा हो गया जिसके अंदर हम जो है जो शॉर्ट्स लेंगे तो उसमें वो क्लैरिटी और वो स्मूथनेस और वो इफेक्ट्स नहीं आ पाएंगे जो कि मतलब एक मुफीद होने चाहिए अगर आप कोई सिनेमैटिक शॉर्ट्स ले रहे हैं। तो फॉर द टाइम यू कैन सी what we are experiencing here and which kind of mountain range we are in। और हाँ, जिसको डाउट है कि आप जो है नैनो पे ऐसी छोटी गाड़ी पे पहाड़ियों पे नहीं जा सकते, फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। ये हमारी आज से 6-7 साल पुरानी नैनो हमारे साथ है। कुछ डेंट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ बहुत ही बेहुदा लोगों ने इसके साथ शरारत भी करी हुई है, बट उसके बावजूद ये हमारा पूरा साथ दे रही है। और चंडीगढ़ से हमने CNG फिल करवाई थी। CNG के अंदर ही अभी शायद एक जो है एक वो जो पॉइंट होता है उसमें, जिसको हम तो लुप्पी बोलते हैं या हम इसको एक डंडी भी बोलते हैं, वो डंडी डाउन हुई है, उसी के अंदर हम यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। तो यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। CNG में तो पहाड़ियों पे गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, उसके बावजूद हमारी नैनो ने हमारा इतना बढ़िया साथ दिया है, आपको बता नहीं सकते। एंड वी आर प्लानिंग दैट एवरी मंथ और इन एवरी क्वार्टर ऑफ मंथ वी विल विजिट हेयर एंड वी विल कीप विजिटिंग हेयर कंटिन्यूसली ऑन फ्रिक्वेंट लेवल। तो दिल्ली से यहाँ पे आने का इससे बढ़िया तो गेटवे हो नहीं सकता। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रिजॉर्ट की तलाश में। टीकरताल करके यहाँ पे अराउंड 2-3 किलोमीटर एक रास्ता पड़ता है गुवाहाटी की तरफ, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और अभी रात के समय आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता कैसा है, और एक अलग ही तरह का एडवेंचर यहाँ फेस कर रहे हैं। और हम दुआ कर रहे हैं कि कोई लेपर्ड हमें यहाँ रोड पे टहलता हुआ मिल जाए जिसको कि हम शूट कर सकें। शूट बोले तो हम इसको अपने कैमरा में शूट कर सकें, नॉट लाइक इलीगल शूट। तो आज काफ़ी समय बाद हम जो है ऐसे नाइट में जो है ड्राइविंग कर रहे हैं ऐसे घुमावदार रास्तों पे, तो एक अलग ही लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से शायद इस कैमरे में आ सके, बट यहाँ से जो नीचे का व्यू है एकदम बहुत ही मैसमराइजिंग और बहुत ही अद्भुत व्यू है। इसमें शायद जो लाइटिंग्स यहाँ से घाटी में नज़र आ रही है वो यहाँ अभी आप देखो इस पोजीशन पे कितनी सुंदर नीचे चंडीगढ़ और मैदानी एरिया की लाइटिंग्स नज़र आ रही है। दोस्तों अभी हम एक बार फाइनलाइज करते हैं अपनी रहने की लोकेशन, देन वी विल कंटिन्यू द व्लॉग।